ठीक है गाइज, हम लोग जा रहे हैं चिकलदारा। आप लोगों से बात करना ही नहीं हुआ घर पे, और मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को घर पे, बहुत जल्दबाजी हुई इसी वजह से। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, एक्चुअली बीच रास्ते में ही हम लोग रुके हैं, तो आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखा देती हूँ मैं। बहुत अच्छा नज़ारा है यार, ये हिल स्टेशन है हमारे सिटी से 2 से 2.5 घंटा दूर है। हिल स्टेशन जा रहे हैं हम लोग, मतलब चिकलदारा नाम है उसका। तो एक मिनट मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. पहुंच गए हम लोग चिकलदारा, और चिकलदारा पहुंचते ही ना सबसे पहले हमने देवी के दर्शन किए। ये है देवी पॉइंट। यहाँ का जो मंदिर है ना, उसकी एक खासियत है, मतलब वो जो मंदिर है उस पर पानी टपकता रहता है, एनी टाइम टपकता रहता है, चाहे आप कौन से भी मौसम में जाओ आपको पानी टपकता हुआ ही दिखेगा वहाँ पर। उसके साइड में झरना है एक्चुअली, बट वहाँ का पानी कहाँ से आता है क्या है वो कुछ पता नहीं है, और अंदर चल के मैं आपको दिखा दूँगी। एक्चुअली शूट करने में मनाही की गई थी, शूट करना मना था, बट थोड़ा सा जितना हो पाया मुझसे मैं आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अंदर का लोकेशन है, जैसे कि मंदिर में हम लोग एंट्री करते हैं उस टाइम, और आप देख सकते हो पानी टपकता हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एनी टाइम पानी टपकता है। और हम लोग यहाँ पर नए जोड़े को घुमाने लेके आए थे, तो इस वजह से सबसे पहले हमने देवी पॉइंट से शुरुआत की, और यहाँ पर जो भी आता है वो देवी पॉइंट से ही शुरुआत करता है, मतलब जैसे कि पहले देवी के दर्शन करते हैं उसके बाद सारे पॉइंट्स घूमते हैं। अद्विक
उसके बाद इस पॉइंट से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ़ोटो सेशन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। फ़ोटो सेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पे, और आप यहाँ पे हॉर्स राइड और कैमल राइड भी कर सकते हो। वहाँ पर काफ़ी सारे हॉर्स और कैमल दिखेंगे आपको, तो आप उनकी भी राइड ले सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों ने कैमल राइड चूज़ किया था, तो कैमल राइड वो कर रहे हैं। और इसके ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। कैमल को पूरा ग्राउंड में घुमा के लेके आते हैं वो। एक राउंड के आपको आई थिंक 70 रुपीज़ चार्जेस है उसके, और उसमें भी आप अकेले नहीं, मतलब 3 से 4 जने बैठ सकते हो आराम से। तो ये 4 जने बैठ गए थे आराम से और उन्होंने राइड ली कैमल राइड। उसके बाद हम लोगों ने घूमा फिरा और खाना पीना खाया वहाँ पर, काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे हम लोगों ने। और ये हमारे सिटी के पास ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, इसी वजह से हम लोग आते जाते रहते हैं। पिछली बार भी आए थे। अगर आप आना चाहते हो तो एक बार विज़िट पक्का करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, सनसेट पॉइंट है। और आपको अगर रुकने के लिए यहाँ पर जगह भी है, मतलब होटल्स वगैरह है, बुकिंग कर सकते हो आप होटल्स की पहले ही। आपकी चिखलदरा नाम से हिल स्टेशन है और आप पहले ही इसकी बुकिंग कर सकते हो। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे कि नैनीताल वगैरह है वैसा ही ये हमारे साइड का एक हिल स्टेशन है। बहुत अच्छा लगता है जाने के बाद वहाँ पे, और हमारे मतलब सिटी के आसपास ही है, इसी वजह से हम लोगों को कोई बुकिंग वगैरह होटल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग एक दिन में आ सकते हैं, बट जो दूर से आ रहा है उनको होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप होटल बुकिंग करते हो ना, तब आपको काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि आपको 2 दिन अगर आप रुकते हो यहाँ पे, तो आपको सारा कुछ यहाँ का देखने के लिए मिलेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अगर वैकेशन पे यहाँ पे आना चाहते हो तो काफ़ी कम खर्चा भी लगेगा आपको, तो काफ़ी अच्छा है घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पर हम लोग बोटिंग करने वाले थे, तो यहाँ पर सारी बोट बिजी थी, सारी बोट्स चली गई थी, इसी वजह से हम लोगों को वेट करना पड़ा था थोड़ा सा। अद्विक को ये बंदूक लेके दी थी, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था बंदूक के लिए, तो इस वजह से ये बंदूक लेके दी थी, तो खुश हो गया था, बंदूक हाथ से छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो काफ़ी देर तक उसने हाथों में ही रखी बंदूक, गाड़ी में जाने के बाद भी उसने गाड़ी में भी नहीं रखी, हाथ में ही बंदूक रखी। काफ़ी उसको पसंद आई थी वो बंदूक, और छोटी सी बंदूक थी, बट कोई नहीं, बच्चे होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। और हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने जैकेट्स पहन लिए हैं, हम लोगों को टिकट्स मिल गई थी, जैकेट्स पहन रहे हैं, सेफ्टी जैकेट। और उसके बाद हम लोग बोटिंग करने के लिए चले जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया बोटिंग में भी, काफ़ी मज़े किए हम लोगों ने यहाँ पे। मतलब एक दिन में ही हमारा एक दिन का ही सफ़र था, मतलब सुबह हम लोग निकले, लेट निकले थे क्योंकि क्या है कि हमारे सिटी के पास है, इसी वजह से हमें इतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। लेट भी निकलते हैं तो हम लोग जो हमारे मेन पॉइंट है वो देख के चले आते हैं। और हाँ, पिछला व्लॉग जो आपने देखा है उससे पहले का ये व्लॉग है, मतलब उनकी शादी के बाद 2 दिन के ही बाद शायद हम लोग घूमने आए थे यहाँ पे। तो वो जो आपने पिछला व्लॉग देखा है वो उसके बाद का है, बट आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे, इसी वजह से मैंने वो व्लॉग पहले अपलोड किया फिर ये व्लॉग डाला। तो ये हम लोग पहले ही घूमने गए थे और उन लोगों को घुमाना भी था, उनके भगवान के दर्शन भी बाकी थे, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उनको लेके आए थे। तो यहाँ पर घूमना भी हो जाएगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। और हाँ, ये हनीमून नहीं है उनका। हनीमून के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि न्यू कपल कहाँ पर जाने वाले हैं हनीमून के लिए, तो न्यू कपल को हम लोगों ने बहुत बार बोला जाने के लिए, बट वो नहीं बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं अभी। तो वो बोल रहे हैं कि जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, तो हमने उनको यही बोला कि आप जाओ दोनों और घूम के आ जाओ। तो उनका कहना यही है कि जब भी जाएंगे साथ में जाएंगे। और हम लोग अभी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, तो नेक्स्ट मंथ पक्का आपको ट्रिप देखने के लिए मिलेगी, फैमिली ट्रिप, वो भी बहुत अच्छा लगने वाला है आपको और हमें भी बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि बहुत लोग होंगे इस फैमिली ट्रिप में, काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। आप लोग देखना मत भूलिएगा, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी देखने के लिए, क्योंकि हम ही लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इतनी बड़ी ट्रिप नहीं निकाली है अभी तक। अभी तक की सबसे बड़ी ट्रिप होने वाली है ये, मतलब बड़ी मीन्स कैसा है कि इतने लोगों के बीच में नहीं निकाली है, तो फैमिली बहुत बड़ी फैमिली होने वाली है इस ट्रिप में, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर बस हमारी बोटिंग वगैरह हो गई थी, हमने बोट
काफ़ी देर तक हम लोगों ने बोटिंग की, काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से दूसरे पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर ये है पंचबोल पॉइंट, तो मेन पॉइंट ही लेते हैं हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं घूमते हैं क्योंकि हम लोग घूमे हुए हैं पूरे पॉइंट और एक दिन में कवर भी नहीं हो पाते हैं पूरे पॉइंट्स। अगर आप रुकते हो यहाँ पे तो आप कवर कर सकते हो एक दिन में पूरे पॉइंट, नहीं तो फिर आपको सुबह निकलना पड़ेगा, जब भी निकलना पड़ेगा। आप वहाँ पर 6 बजे टच होना पड़ेगा आपको वहाँ पर, और हम लोग निकले थे 10 या 11 बजे, मतलब ज़्यादा उससे भी ज़्यादा 12 बजे वगैरह निकले होंगे। तो इसी वजह से हम लोगों को ऑलरेडी लेट हो चुका था यहाँ पे आने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर घूमे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला हमें कि हम लोग सारे पॉइंट्स घूम पाए, और वैसे भी हम लोगों ने देखे हुए हैं तो हम लोग मेन पॉइंट्स पे ही गए। सब लोगों ने देखे हुए हैं, न्यू कपल ने भी देखे हुए हैं, हम लोग बहुत बार आते रहते हैं तो इसी वजह से कोई ऐसा नया नहीं लगता है हमें। बट फिर भी आपके लिए बता रही हूँ, आपको अगर घूमने आना है तो आप आ सकते हो यहाँ पर घूमने। ये और हाँ, इस पंचबोल पॉइंट की खासियत मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जैसे कि ये रॉड लगे हुए हैं, यहाँ पर खड़े रह के अगर आप कोई नाम बुलाते हो तो वो 5 बार नीचे से ऊपर आता है नाम, इसी वजह से इसको पंचबोल पॉइंट कहा गया है। जैसे कोई एक बार अगर नाम पुकारते हो आप तो वो नाम 5 बार पुकारा जाएगा, तो वापस आएगा 5 बार, सॉरी, तो इसी वजह से इसको पंचबोल पॉइंट कहा गया है। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन के लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप आपका DSLR लेके आओ यहाँ पे और फ़ोटो सेशन करो, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे आपके यहाँ पे। और हाँ, एक बात बता दूँ कि यहाँ पर हमारे साइड के जो लोग हैं वो प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। अगर आप भी कहीं हिल स्टेशन जाना चाहते हो और प्री वेडिंग शूट वगैरह के लिए जाना चाहते हो और आपके साइड की लोकेशन से बोर हो चुके हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर आपने होटल्स वगैरह बुक भी नहीं किए हैं तो आपको टाइम पर भी होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और बस यहाँ पर हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करने वाले थे, निकलने वाले थे तो सब लोगों को भूख लगी थी, तो नाश्ते के लिए हम लोग रुके थे यहाँ पे एक होटल में। तो वहाँ का ही नज़ारा दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि आपको लगेगा कि आप महाबलेश्वर या नैनीताल आए हो, इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। और हाँ, हम लोगों ने वहाँ पर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम लोग घर पे चले आए थे, तो उसके बाद का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं गाड़ी में ही सो गई थी, हम लोग सब गाड़ी में ही सो गए थे, तो उसके बाद का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसके बाद ये दूसरे दिन का है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये ब्रेकफास्ट क्या है बता दूँ, ये है रोटी को फ्राई किया है, उसके बाद उसको तड़के वाले दही के साथ खा रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये भाभी की रेसिपी है, नई भाभी की, तो उसने इस तरह से दूसरे दिन बनाया था। तो ये यहाँ पर वही ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारा, बस गपशप मार रहा है, बाहर बैठे हैं और ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और हमने जैसे इंजॉय किया वैसे आपने देख के इंजॉय किया होगा ब्लॉग को। अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करे बिना मत जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ 2 और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। चलिए फिर मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।